सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा NICVD पर नैब के छापे की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन में कामयाबी के बाद गिलगित में NICVD कायम किया जाएगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था कि आने वाला वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का है, पीपल्स पार्टी इंसानियत की खिदमत करती रहेगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अच्छी पॉलिसी की वजह से पाटे को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, चीनी को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और इन नालायकों की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान एक्सपोर्ट शुगर एक्सपोर्टिंग कंट्री से वीट एक्सपोर्टिंग कंट्री से शुगर इंपोर्टिंग कंट्री वीट इंपोर्टिंग कंट्री बन गया। इसके ऊपर नैब कोई कार्रवाई नहीं करती है। अरबों रुपए इन माफियाज ने कमा लिए हैं, इसके ऊपर नैब कोई कार्रवाई नहीं करती। वजीर आजम की इजाजत से, वजीर आजम की रजामंदी से वफाकी हुकूमत चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत करती है। वजीर आजम से कोई पूछगछ नहीं होती, लेकिन हां डॉक्टर से पूछगछ करनी जरूरी है कि तुम इंजेक्शन कितने का लगा रहे हो, तुम एंजियोप्लास्टी सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये नैब का काम है अस्पतालों को देखेगा, वो अस्पताल वो डॉक्टर्स वो पैरामेडिकल स्टाफ जो कि लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं बराए मेहरबानी चेयरमैन नैब को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग एक्चुअली आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, जो लोग बार बार नोटिस लेके पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकालते हैं, अपने मुंह पे यूं हाथ करके आवाम की चीखें निकालते हैं, उनका नोटिस ले, उनकी कार्रवाइयों को देखें।